नमस्कार किसान मित्रों, आज का वेबिनार का हमारा टॉपिक है पशुपालन के व्यवसाय में अधिक लाभ कमाने के लिए पांच ऐसे महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से हैं जिसे हम लोग हमारे जो पशुपालन का व्यवसाय है उसको और ज्यादा मुनाफा कर सके या हमारी जो भी लागत है उसको कम कर सके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडियन डेयरी फार्मिंग के बारे में कि भारत में जो डेयरी फार्मिंग आज तक जो होता हुआ है वो ज़्यादातर छोटे पैमाने में हुआ है। मतलब कि जितने भी डेयरी फार्म्स हैं, जो हमारे यहाँ पे 70 करोड़ डेयरी फार्म है कुछ, उसकी अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी उनकी जो हर्ड संख्या है, मतलब कि उनके यहाँ पे पशुओं की संख्या है, वो 5 या उससे कम है। 70-75% फार्मर ऐसे हैं कि जो कि जिनके पास 5 या उससे कम पशु है, और मात्र 20-25% ऐसे हैं जो जिनके पास 20 या उससे ज्यादा पशु है। अब ये जो 20 या ज्यादा पशु वाला जो किसान है उनके यहाँ पे क्योंकि वो भी कभी ना कभी एक छोटे डेयरी फार्म को चलाता था और अभी वो बड़े पैमाने पे जाना चाहता है या जा रहा है या जा चुका है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है। धंधा ज्यादा पशु हो जाने की वजह से मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, तो ये सब जो चीजें उनकी दिक्कतें हैं, या कोई छोटा किसान है जो उसके पास कम हड़ है लेकिन वो बड़े हड़ में जाना चाहता है, तो उनको क्या क्या दिक्कत आ सकती है और वो बड़े हड़ को कैसे आसानी से एक मुनाफे के साथ साथ वो डेयरी फार्म चला सकता है, उसके लिए आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आपको इस वेबिनार के अंदर कुछ भी जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हम लोग को ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर है, तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे, क्वेश्चन पूछना है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, या ये वेबिनार के दौरान आप लोग चैट सेक्शन में जाके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारी जो पैनल टीम है आपको चैट सेक्शन में भी आंसर करेगी, और वेबिनार के अंत में हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे तो वहाँ पे भी आपको हम लोग क्वेश्चनिंग के लिए अलाउ करेंगे, तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो भारत की हिस्सेदारी दुनिया के दूध उत्पादन के अंदर 21% के साथ सबसे प्रथम नंबर पे है। मतलब कि भारत दुनिया का 21% दूध उत्पादक है। 2020 तक भारत का जो दूध का जीडीपी है वो 4% डेयरी से आने की संभावना है। 2022 तक दूध उत्पादन 9% की वार्षिक दर से बढ़ेगा, मतलब अभी हर साल वो 6% की दर से बढ़ रहा है लेकिन 2022 के बाद वो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 9% की दर से बढ़ेगा, मतलब इस साल तो अगले साल 109 लीटर का दूध उत्पादन होगा, मतलब हर साल 9% दूध बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो दूध उत्पादन काफी अच्छी तरह बढ़ रहा है देश का, देश हमारा नंबर वन पे है, लेकिन उसके बैकएंड में अगर हम जाते हैं तो जो दूध उत्पादक है उसकी क्या परिस्थिति है वो हम सब लोग एक काफी हद तक जानते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे दूध उत्पादकों के अंदर क्या दिक्कतें हैं, हमारे अंदर बिजनेस में क्या मॉडल में क्या दिक्कत है, क्या खामियां हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उस पे बात करनी जरूरी है। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि आपके खेत में कौन सा जानवर आपको अधिकतम लाभ देता है? तो ये सवाल जब हम किसी के पास बहुत बड़ा हड़ है जैसे 20-25-50 गाय का, तो ये पता जरूर है जो मेरी सबसे अच्छा दूध दे रही है, लेकिन अगर उनको पूछते हैं कि कौन सी ऐसी गाय है कि जो सबसे ज्यादा घाटा करवा रही है या कम मुनाफा करती है, तो शायद उनके पास ये जवाब नहीं मिलता है। तो ये क्या कारण है कि ये उसको नहीं पता रहता है? तो इस कारण ये है कि अब जितने भी समय से हम लोग ये डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं ये हमारा एक प्राइमरी बिजनेस नहीं रहा, मतलब कि हमारा प्राथमिक आय की जनरेट करने की ये जगह नहीं रही है। हम लोग हमेशा डेयरी फार्मिंग को एक सेकेंडरी लेवल पे रखा है, घर के बीवी लोग मतलब वाइफ या फीमेल फैमिली जो में फीमेल्स होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं और मेल लोग इसको इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो मेल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर किसान या खेती में रहता है, तो खेती उनका प्राइमरी
आपका जो है रहता है। तो इस वजह से डेयरी फार्मिंग को जितना फोकस देना चाहिए, जितना आप लोग खेत में देते हो कि कितना कब कितने समय पे कितना पानी डालना चाहिए, कितने समय पे कब कौन सी दवाई छिड़कनी चाहिए, तो जो पूरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ आप खेती करते हो, वो पार्ट कहीं ना कहीं हमारे डेयरी फार्मिंग में जो एक सर्वे में जानने को मिला है उस हिसाब से वो मिसिंग है। काफी फार्मर वो कर भी रहे, लेकिन कुछ फार्मर जो है जो नए नए अभी बड़ा हर्ड करना चाहते हैं वहां पे ये चीज मिसिंग मिल रही है। तो ये चीज समझने के लिए अगर मैं ये सवाल का के जवाब पे आता हूँ, तो सबसे पहले सबको ये जानना जरूरी है कि एक गाय दूध देती कैसे है। तो आप सबको पता ही होगा कि जैसे एक एनिमल काल्विंग करता है, मतलब कि पहला बच्चा देता है तो वहां से लेके दूध देना शुरू करता है और ऐसे दूध का ग्राफ उसका बढ़ता जाता है, एक लेवल पे आके वो पीक पे हो जाता है और फिर वापिस वो कम होना शुरू हो जाता है और कहीं पे जाके वो दूध देना बंद हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ये जो दूध देने का समय है वो आइडियली देखा जाए तो 305 दिन तक का माना जाता है और इस 305 दिन को हम लोग एक लैक्टेशन बोलते हैं, मतलब कि एक गाय या एक पशु एक बार बच्चा देने के बाद 305 दिन का जो दूध देती है उसको हम लोग एक लैक्टेशन बोलते हैं। अब ये जो 305 है वो कोई एक ब्रीड के लिए है, कोई दूसरी ब्रीड है तो उसके लिए 280 या 250 दिन हो सकते हैं और कोई बफेलो है तो उसका लिए 200 दिन भी हो सकता है। तो ये हर एक एनिमल का एक लैक्टेशन का ग्राफ होता है, लेकिन उसका जो पैटर्न होता है वो यही हिसाब से रहता है। शुरुआत में दूध देना शुरू करती है, बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद वो सस्टेन रहता है कुछ टाइम के लिए वहीं पे रहता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो ज्यादातर मैं ये अगर HF ब्रीड की बात करूं तो 305 दिन वो दूध देती है, उसमें से ज्यादातर दूध वो पहले 200 दिन के अंदर या 180 दिन के अंदर दे देती है और बाकी का कम दूध है जैसे 20% या 30% दूध वो बाकी के दिनों में देती है। मतलब कि अगर पशु दूध 70-80% दूध 200 दिन में देता है और बाकी का दूध यहाँ पे देता है, तो ये एक नॉर्मल लैक्टेशन कर्व होता है। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे किसान को ज्यादा प्रॉफिट या मुनाफा होने की संभावना है और ये जो हिस्सा है यहाँ पे प्रॉफिट को नुकसान या कम प्रॉफिट हो सकता है और उसके बाद एनिमल 60 दिन के ड्राई पीरियड में चला जाता है। तो ऐसे हर साल एक बच्चा अगर लेते रहते हैं तो आपका पशु 7 साल की उसकी लाइफ ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और उसमें से आप 7 लैक्टेशन मतलब कि जो भी आपकी लैक्टेशन यील्ड है उतना दूध आप उसमें से ले सकते हैं। अब ये ऐसे उसको लैक्टेशन गिना जाता है। अभी नियमित दूध रिकॉर्ड परीक्षण जो है वो अभी आप ज्यादा फार्मर्स लोग नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दूध का रिकॉर्डिंग और दूध की गुणवत्ता की जांच करनी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप कहीं से गाय लेके आए हैं, पशु लेके आए हैं, उसने आपको बोला है कि ये 20 लीटर की गाय है, 50 लीटर की गाय है, 15 लीटर की गाय है, जो भी उसने बोला है, तो वो किस हिसाब से बोल रहा है कि ये 50 की या 15 या 20 लीटर की गाय है। क्या वो सही में साल भर 15 लीटर देती है या कभी एक दिन जाके 15 लीटर देती है, तो ये समझने के लिए हमको उसका दूध का साल भर का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, जिससे हमको पशुओं की दूध की उत्पादन क्षमता पता चलेगी। मतलब हम सही में जो 20 लीटर लेके की पशु समझ के लेके आए थे वो सही में 20 लीटर की एवरेज से देता है या 20 लीटर एक दिन देता है या 20 दिन 20 लीटर देता है बाकी के दिन कम देता है। तो सही पशु की सही दूध उत्पादन क्षमता जानने के लिए दूध का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। फिर दूध उत्पादन के ऊपर विभिन्न उसके जो कारक है, जैसे कि गर्मी बढ़ गई या ह्यूमिडिटी बढ़ गई बारिश के मौसम में, या फिर आपने कोई चारा में कोई बदलाव कर दिया, या फिर आपने कोई कंपनी का फीड लाते थे और अभी कोई दूसरी कंपनी का फीड ला रहे, तो उसकी वजह से जो आपके दूध उत्पादन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसको जानने के लिए, कल तक मैं हरा चारा खिला रहा था, अभी अचानक से मैंने साइलेज चालू कर दिया, तो उससे क्या दूध में बढ़ोतरी हुई या कम हुआ, वो जानने के लिए भी दूध उत्पादन रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है बेहतर निर्णय के लिए। क्योंकि आपको अगर आपके पास दूध उत्पादन का रिकॉर्ड है तो आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। तो ज्यादा बेहतर निर्णय लेने के लिए भी आपको प्रति पशु दूध रिकॉर्ड रखने के लिए जरूरी है। फिर दूध की जानकारी, गुणवत्ता की जानकारी ली, मतलब कि अगर आपका पशु 20 लीटर दूध दे रहा है लेट्स से, लेकिन उसका जो फैट है वो 3% है और SNF 8.5 से कम है, तो क्या वो दूध सही दूध है, आपका 20 लीटर आपको सही में अच्छा है कि नहीं है।
तो वो आप सब जानते हैं कि अगर फैट या SNF अगर स्टैंडर्ड से कम रहते हैं तो उसका डेयरी में क्या भाव मिलता है। तो दूध की गुणवत्ता जानने के लिए भी दूध का रोज का रिकॉर्डिंग साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी जाननी इतनी ही जरूरी है। दूसरा, अगर पशुओं का आहार नियंत्रित करना है आपको कि अगर 20 लीटर का जो गाय है उसको उसके हिसाब से खाना देना चाहिए और जो 10 लीटर वाली दूध है उसको कम देना चाहिए, तो वो जो नियंत्रित करना है आपको फीड जो आपकी कॉस्ट है 70% कॉस्ट आपकी फीड में जा रही है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए भी आपको प्रति पशु दूध का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी फार्म की कॉस्ट को नियंत्रण में रख सकते हैं। अगर हम लोग दूध का रिकॉर्ड और परीक्षण करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो सबसे पहले प्रबंधन के फैसले, पशुधन की बिक्री, बछड़ा पालन वगैरह वगैरह हम लोग निर्णय बहुत बेहतर तरीके से ले सकते हैं। मतलब कि किस गाय को अपने को आगे बढ़ाना है, किस गाय को अपने को उसको अपने फार्म से निकालना है, किस गाय को आगे आगे की ब्रीड के लिए रखना है, किस गाय को अपने को बुल तैयार करने के लिए रखना है, ये सारे बहुत सारे बहुत अहम फैसले होते हैं जिसको करने के लिए अगर आपके पास ये दूध के रिकॉर्ड है प्रति पशु तो आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं। पशुधन की बिक्री, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास पुराना हर्ड है जो कम दूध दे रहा है या हाई मेंटेनेंस है, दवाई का ज्यादा खर्चा है, तो ये डेटा के ऊपर से आप नक्की कर पाएंगे कि किसको मेरे को बेचना है, किसको नया बछड़ा पैदा करना है। सिमिलर इसी तरह अगर आप किसी जानवर की आनुवंशिक क्षमता को जानना चाहते हैं, मतलब जीनेटिक कैपेबिलिटी की सही में ये मेरे को एक साल में 5,000 लीटर दूध देगा या 6,000 लीटर दूध देगा कि नहीं देगा, तो वो जानने के मेरे को पता चलता है कि मेरे पास जो एवरेज एनिमल सारे है उसका क्या जीनेटिक आनुवंशिक क्षमता क्या है। फिर पशु के भोजन के संतुलन के लिए जैसे राशन बैलेंस प्रोग्राम है, वो पूरा पशु के वेट और पशु के प्रतिदिन दूध उत्पादन के ऊपर चलता है और साथ साथ उसका प्रेगनेंसी स्टेटस, ये तीन चीजों अगर हमारे साथ सही मायने में है तो हम लोग उसके लिए सबसे अच्छा राशन बैलेंस यानी कि भोजन संतुलन का प्रबंधन कर सकते हैं। फिर दूसरा है नियमित रूप से अगर हम लोग दूध की जांच करते हैं फैट SNF की, तो हमको ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जैसे कीटोसिस है, एसिडोसिस है, मस्टाइटिस है, जैसी बीमारियों को हम लोग जल्द जल्द पहचान कर सकते हैं। मतलब कि समझो कि अभी आपकी गाय को बछड़ा दिए 10-20 दिन हुए हैं और आपकी गाय 6-6 फैट का दूध दे रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि गाय का जो नेचर है वो 4-4.5 का फैट वो दे सकती है, उससे अगर ज्यादा दे रही है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी वेट लूज कर रही है, अपने बॉडी में से उसको फैट को ड्रेन कर रही है, तो 20 दिन तो अच्छा दूध मिल जाएगा लेकिन और 20 दिन के बाद आप देखोगे तो उस गाय की कंडीशन खराब हो सकती है, इसको कीटोसिस बोलते हैं। तो अगर आप शुरुआत से ही उसका फैट SNF नापते हैं तो आपको पता चलता है कि ये किस दिक्कत से चल रही है। सिमिलरली आपका अगर SNF बढ़ कम ज्यादा हो रहा है, आप रोज का रिकॉर्ड लगते हैं SNF का पशु का और उसमें पता चल रहा है कि किस दिन 8.5 दे रहा है, किसी दिन 7.5, 8.5, 8.5 ऐसे कम ज्यादा हो रहा है, तो इसका बहुत मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये एसिडोसिस हुआ है उस गाय को, मतलब कि उसकी एसिडिटी ज्यादा है इसी वजह से हो रहा है। तो आप ऐसे बहुत सारे चीजों का डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हैं। तो दूध का नियमित रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। तो दूध के रिकॉर्डिंग रखने के लिए क्या क्या उपाय है, तो आपको आपके फार्म के ऊपर तौल काटा या दूध का तराजू खरीदना चाहिए, प्रति पशु दूध की एक डायरी रखनी चाहिए, मिल्किंग पार्लर अगर आप लगा सकते हैं तो वो लगाना चाहिए तो उसमें भी आपका दूध का रिकॉर्ड रह सकता है, बाजार से मिल्क फैट SNF मापने की मशीन ऐसे उपलब्ध रहती है तो वो आपको अगर आप ला सकते हैं तो उसको लाना चाहिए, या मैं तो बोलूंगा 4-5 फार्मर मिलके भी अगर खुद का एक SNF ये फैट SNF मशीन अगर आप बस ले सकते हैं तो रखना चाहिए, जिससे आपको आपके प्रति पशु दूध के SNF की जानकारी मिले फैट और SNF की। समय के साथ दूध की गुणवत्ता में वृद्धि या कमी पर नजर रखने से कमी के कारण का पता लगाया जा सकता है, मतलब किस समय में मेरा दूध की गुणवत्ता बढ़ती है, किस समय कम होती है, उस चीज का आप ये रिकॉर्ड की मदद से आप फायदा ले सकते हैं। तो ये हो गया दूध का उत्पादन का रिकॉर्ड। तो सबसे पहला जो है हमको दूध उत्पादन का रिकॉर्ड है वो एक आदत बनानी है कि हर रोज हम लोग इस प्रति पशु दूध उत्पादन का रिकॉर्ड रखेंगे। अगर वो रखते हैं और उसके साथ साथ प्रति पशु फैट SNF अगर आप हर रोज नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में नहीं कर सकते तो 10 दिन में एक बार आपको प्रति पशु फैट SNF का रिकॉर्ड रखना ही रखना है। तो ये अगर रिकॉर्ड आपके पास रहेगा तो
तो वो आपको आगे बेहतर डिसीजन लेने के अंदर मदद करेगा। दूसरा अगर मुद्दे की अगर बात करें तो क्या आपको पता है कि अगर आप जानवर की एक भी गर्मी मतलब कि जो हीट में आता है पशु अगर वो भूल जाते हैं तो कितना आर्थिक या वित्तीय नुकसान हो सकता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्रीडिंग की, ब्रीडिंग इज वेरी मतलब ब्रीडिंग बहुत क्रिटिकल चीज है अगर अपने फार्म को मुनाफे के अंदर रखना है हमेशा के लिए। तो अभी तो पशु आपका दूध दे रहा है लेकिन अगले साल दूध देगा कि नहीं वो आज आप क्या ब्रीडिंग कर रहे हो उसके ऊपर वो निर्भर करता है। मतलब कि हम लोग एक गाय की ब्रीडिंग या पशु की ब्रीडिंग साइकिल अगर हम समझे तो आप समझिए कि पूरा साइकिल इस तरह चलता है कि काल्विंग के दिन पे ये दूध देना शुरू कर दिया और ऐसे दूध दे रही है। फिर 63 डेज मतलब गाय या बफेलो की बात करें तो हर 21 दिन में वो हीट में आती है। तो लेट से पहले 3 हीट हम लोग छोड़ देते हैं या 2 हीट छोड़ देते हैं तो हम लोग यहाँ पे समवेयर 63 डे पे मतलब कि 63वें दिन के ऊपर हम लोग इसको वापस ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और वो हम लोग अगर 85 दिन तक हम लोग उसको कर देते हैं वापस प्रेग्नेंट तो हमारा बहुत अच्छा चांस है कि हम लोग 365वें मतलब ये प्रथम कालविंग से दूसरा कालविंग के बीच में 365 दिन का अंतराल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कालविंग पीरियड। तो ये आपके डेयरी फार्म को नापने का एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है मतलब कि आपको आपके सारे पशुओं का इंटर कालविंग निकालना है कि मेरे एक पशु ने पहले ब्याह और दूसरे ब्याह के बीच में दिनों का डिफरेंस कितना है। वर्ल्ड की जो हम लोग बात करें तो वो लोग 365 से 400 दिन का वो लोग अनुमान लगाते हैं कि अगर 365 से 400 दिन का आपका कालविंग अंतराल है इंटर कालविंग पीरियड है तो आपका फार्म मुनाफे पे आसानी से चलेगा। अगर लेकिन वो आपका इंटर कालविंग उससे ज्यादा है मतलब कि 500 600 दिन का इंटर कालविंग है उसका मतलब है कि आपका फार्म मुनाफे में नहीं रहेगा। वो आपके फार्म में ऐसे साइकिल आएगी कभी आपका दूध बढ़ जाएगा आपका मुनाफा बढ़ेगा फिर आप प्रॉफिट में से लॉस में जाओगे और फिर वो लॉस में से वापस प्रॉफिट। तो ये आपका जो ऐसे एक स्टेडी चलना चाहिए आपका कैश फ्लो वहां पे वो आपका आय की जो है वो प्लस माइनस होती रहेगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हीट डिटेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप सब जानते हैं कि पशु जो है वो हर दिन हीट में नहीं होता है हर 21वें दिन पे हीट पे आता है। तो अगर मैं बात करूं कि आज मैंने यहाँ पे 85 डेज पे अगर हीट पे आना था और मैं यहाँ पे चूक गया तो मेरे को दूसरा जो टाइम मिलेगा वो 106 डे पे मिलेगा और वहां पे मैं इंसेमिनेट वापिस कर पाऊंगा और वहां पे अगर वापिस प्रेग्नेंट हुआ तो ठीक वरना वापिस मेरे 21 दिन बढ़ते जाएंगे। तो जितना मैं हीट यहाँ पे मिस करता जाता हूँ उतना मेरा ये ड्राई पीरियड जो है वो बढ़ता जाता है या जो मेरा जो ये ड्राई पीरियड है वो 21 दिन के हिसाब से बढ़ता जाता है। अब हम लोग सिंपल सी बात करें कि हम लोग ड्राई पीरियड में गाय को या पशु को खाना जो देते हैं वो 180 से 200 भी पकड़े अगर बहुत कम साइड में तो भी आपका 21 दिन का जो होता है वो 4200 रुपए का घाटा हो जाता है। अगर एक हीट मिस हो जाती है तो वो आपको साल के अंत में वो 4200 रुपए का आपको घाटा बनेगा और वो एक हीट पे। अगर दूसरा हीट भी मिस हो गया तो फिर वो घाटा उस हिसाब से गुणांक में बढ़ता जाता है। तो ये बहुत समझने की बात है कि ब्रीडिंग साइकिल हमारा टाइम से चलता रहे। अब ये जो बात है अब इसको टाइम से उसके लिए हमारे पास क्या उपाय है। तो ये जो मुनाफा जो है मतलब अपना जो घाटा हो रहा है एक साइकिल एक हीट साइकिल मिस होने से तो अभी इसको हम लोग कैसे इसको हटा सकते हैं। गर्मी को पता करने के लिए हमको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा कि हमारे कितने पशु है ज्यादा फार्म बड़े फार्म्स के अंदर 50 एनिमल है तो उसमें से कौन सा पशु आपका हीट में है उसको हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले समस्या क्या है कि समय की कमी है कि क्योंकि हम लोग फार्म कर रहे हैं 365 दिन मतलब 365 दिन का धंधा है आप कहीं पे उसको छोड़ के नहीं जा सकते। फिर भी हमारा एक सोशल लाइफ है तो हम लोग कहीं शादी में जा रहे हैं या कहीं कोई फंक्शन में जा रहे हैं या स्कूल में जा कहीं पे भी हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग पूरा जो ध्यान है उसके ऊपर हम लोग नहीं लगा सकते। दूसरा है कि पशु को हीट में है कि नहीं उसके लिए एक कुशल व्यक्ति की जरूरत रहती है कि उसको पता चले कि सही में हीट में है कि नहीं तो वो एक स्किल लेबर की जरूरत रहती है। फिर दूसरा है कि व्यक्ति आधारित काम है मतलब कि व्यक्ति के ऊपर आधारित रह के ऊपर ये काम करना पड़ता है। अगर आपने कोई बंदा रखा है और वो
कहीं पे वो फार्म के ऊपर नहीं है तो आपका हीट डिटेक्शन बंद हो जाता है। फिर ह्यूमन एरर, मतलब कि मैंने देखा कि ये गाय हीट में है लेकिन वो उसकी जगह कोई दूसरी गाय हीट में थी, तो वो जो एरर का चांस है वो भी बहुत बड़ा है। फिर कमजोर और जो साइलेंट हीट आती है, जो जो कि आके चली जाती है और हमको पता भी नहीं चलता है, तो ये एक साइलेंट हीट की भी बढ़ती संख्या, मतलब अभी जो दूध उत्पादन बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ ये साइलेंट हीट के केसेस भी बढ़ने लगे हैं। फिर गर्मी की बहुत कम अवधि, मतलब कि जो हीट साइकिल आइडियली बोलते हैं कि 24 घंटे आनी चाहिए या 32 घंटे या कुछ लोग 48 घंटे भी बोलते हैं, तो वो जो अवधि है हीट की उसको अभी वो कम हो रही है बिकॉज ऑफ ज्यादा प्रोडक्शन और हमारा जो खान पान हमारा जो पशु का बदल चुका है, उसकी वजह से वो 12 घंटे हीट में आती है या 8 घंटे हीट में आके चली जाती है। तो शॉर्ट हीट इज ऑल्सो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी ये चीज के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो पशु की गर्मी की हीट जो है हीट है उसका डेट का हम लोग कहीं पे पंजीकरण कर रहे हैं, मतलब कि उसको हम लोग लिख के रखें कि पिछली बार कब हीट में आई थी, जिससे हमको पता चले कि नेक्स्ट हीट में कब आ सकती है। फिर हम लोग एक टीजर बूल की मदद ले सकते हैं, मतलब अपने फार्म पे अगर हम आपको अगर पॉसिबल है तो आप एक ऐसा बूल लाइए जो सर्विस नहीं दे सकता लेकिन आपको हीट डिटेक्ट करने में मदद कर सके। फिर एक टेल पेंट सिस्टम होता है कि हर एक गाय, अगर आपके यहाँ पे लूज हाउसिंग सिस्टम है और गाय एक दूसरे पे माउंट कर सकती है, तो वहां पे आप टेल पेंट जो सिस्टम आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन भी है कि जिसके अंदर आप एक बार डेटा डाल देते हैं तो वो आपको 21 दिन के बाद अलर्ट्स देता है, तो उससे आपको सामने से पता चलता है कि ये मेरा गाय हीट में आने वाला है तो मैं आज जाके देख लूं कि आज आया कि नहीं, तो 2-3 दिन आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान बढ़ा सकते हैं। फिर ऐसी तकनीक और भी आ गई है जो 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन उसके ऊपर निगरानी कर सकती है, मतलब कि गाय के ऊपर कुछ ऐसे सेंसर्स आ जाते हैं जो आपके गाय के गले में या कान के ऊपर लग जाते हैं और फिर वो 24 घंटे उस एनिमल पे निगरानी रखते हैं, और अगर वो एनिमल हीट में होता है या हेल्थ में कुछ उसको दिक्कत होती है तो वो आपके मोबाइल पे SMS के जरिए आपको अलर्ट पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे उपाय अभी आप कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया है कि ये सिस्टम जो है हीट डिटेक्शन सिस्टम जो आती है उसके क्या आप वो लगाते हैं, तो ये एक तो आपको योग्य समय पे अलर्ट प्रदान करता है, मतलब कि आपका गाय रात को 1 बजे या 2 बजे हीट में आए तो आपको उस टाइम पे बताएगा कि आपका गाय हीट में है और आपको इंसेमिनेट 12 घंटे के अंदर करना है। फिर दूसरा आपकी समय की बचत होती है, तो आपको बार बार जाके देखना नहीं पड़ता है कि कौन सा पशु हीट में है कि नहीं है, तो आप अपने बंदे को कुछ किसी और काम के लगा सकते हैं या आप खुद किसी और काम के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। पशु की अधिकतम समय तक दूध का उत्पादन करता रहता है, अब हीट का प्रॉपर साइकिल चलता रहता है तो आपका जो एनिमल है वो ड्राई पीरियड में कम समय में रहेगा और मिल्किंग के अंदर ज्यादा समय रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा समय तक आपका पशु से आप दूध उत्पादन ले सकते हैं। ब्रीडिंग और प्रजनन क्षमता में आपका सुधार होता है, मतलब कि आप जो 1 या 2 डोज में आपका एनिमल प्रेग्नेंट होता है या 3 में होता है, कभी कभी 4-5 भी चला जाता है, तो वो जो डोज का जो उपयोग है वो कम होगा, इससे आपका ब्रीडिंग एफिशिएंसी जो शब्द बोलते हैं वो आपकी बढ़ेगी। फिर आपकी जो प्रजनन की जो लागत है, मतलब जो दवाई देते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट कराते हैं या आप किसी डॉक्टर को बार बार बुलाना पड़ता है, तो ये सारा खर्चा आपका बच जाता है बिकॉज ऑफ हीट डिटेक्ट परफेक्ट टाइम ऑफ हीट डिटेक्शन। फिर आप अगर हार्मोन का यूज करते हैं तो वो भी आप उसको कम कर सकते हैं, जिससे पशु लंबे समय तक उसकी नेचुरल साइकिल से चलता है और उससे आपका लागत भी कम होती है और पशु के ऊपर भी कम खतरनाक असर पड़ती है। फिर ये 24 घंटा काम करता है तो आपको आपको कभी भी आप कहीं पे बाहर भी है या कहीं भी है तो आपको उसको अलर्ट मिल जाता है और आप किसी को फोन करके भी बोल सकते हैं कि आप मेरे ये पशु पे आप प्लीज बीजदानिया वगैरह जो भी करना है टीका लगाना है तो वो करवा सकते हैं। फिर दो कालविंग के बीच का अंतराल को कम करता है, डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी उसको बढ़ाता है, मतलब कि जो इसकी वजह से इंटर कालविंग कम होगा तो आपका पशु ज्यादा दूध, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ेगी। ये सिस्टम ऐसे है कि वो बंधे हुए जानवर और साथ साथ जो अपने लूज हाउसिंग सिस्टम है उसमें भी काम करता है। फिर कभी कभी ऐसे सिस्टम भी अभी मिलने लगे हैं कि जो बफेलो की हीट डिटेक्शन में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो अपना है कि हीट ब्रीडिंग साइकिल के ऊपर हमको डेटा रिकॉर्डिंग के माध्यम से
हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा जो एक हीट मिस होने का जो खर्चा है 4200 रुपए का या 3500 रुपए का, जो भी आपकी लागत है एक दिन की उसके हिसाब से, तो वो खर्चा हम लोग कहीं ना कहीं बचा सकते हैं और पशु को ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग दूध उत्पादन में रख के हमारी मुनाफे को या हमारे जो खर्चों को बचा सकते हैं। तो कहीं तो इससे भी हमको हमारे मुनाफे को बढ़ोतरी करने के अंदर बहुत लाभ मिल सकता है। तीसरी बात अगर हम करें तो तीसरा जो उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तीसरा सवाल ये है हर एक फार्मर से कि क्या आप जानते हैं कि पशु के स्वास्थ्य रिकॉर्ड आपको अधिकतम पैसा बनाने में कैसे मदद कर सकता है। मतलब ये बहुत इग्नोर हो गया है, मतलब कि ज्यादातर फार्मर जो मैं मिला हूँ वो लोग गाय जब बीमार होती है तो अपने डेयरी से या अपने गवर्नमेंट के डॉक्टर को बुला लेते हैं और फिर जो भी उसकी दवाई लगती है वो उसमें वो कोई भी खर्चा करने को तैयार रहते हैं और वो खर्चा करके वो गाय को वापिस तैयार कर देते हैं। लेकिन वो गाय तैयार होने के बाद उसका जो खर्चा हुआ या उसकी जो बीमार पड़ने की बार कितनी बार बीमार पड़ती है वो सारा डेटा रिकॉर्डिंग के ऊपर ध्यान ज्यादातर फार्मरों का नहीं रहता है। तो अगर ये आप हेल्थ के लिए रिकॉर्ड रखना शुरू करते हैं तो इससे आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि पशु के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड कैसे रखा जा सकता है, तो और जो भी अभी सिस्टम है जैसे गवर्नमेंट के अंदर रखते हैं या आप एक कागज पे लिख के रख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं या आप कंप्यूटर में भी रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर समस्याएं क्या क्या है। तो कागज आधारित जो रिकॉर्ड रखने हैं वो मुश्किल है, मतलब आपको एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, कहीं पे वो गुम हो भी हो सकती है या वो डायरी जिस टाइम पे आपको चाहिए उस टाइम पे आपको नहीं मिली, तो उसमें बहुत सारी समस्या है। फिर कौन सा रिकॉर्ड रखना जरूरी है वो पता करने की आवश्यकता है, मतलब कि गाय को इस दिन को बीमार पड़ी थी और ये दवाई दे दी, लेकिन कौन सी दवाई दी, कितना डोज दिया, कितना उसका बॉडी वेट था उस टाइम पे, क्या खा, सारा डेटा रखना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा है पेपर आधारित रिकॉर्ड को ढूंढना और पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अगर राज्य से बाहर आप पशु लेके आते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि उसकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है, कि मतलब वो आप कहीं पंजाब से या कहीं साउथ से अगर आप गाय पशु लेके आते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो पहले क्या बीमारी थी और उस बीमारी में उसको क्या क्या दवाई दी गई थी और उस किस दवाई से वो रिकवर हुई थी। फिर बीमारी की आगे सूचना का अभाव, मतलब कि पहले से पता नहीं चलता है कि ये कब एनिमल बीमार पड़ सकता है। फिर आवश्यकता के समय में अपने जो पशु चिकित्सक है वो उनकी अवेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा दिक्कत का मामला है कि आपको जब डॉक्टर की जरूरत होती है तो वो शायद अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो ये सारी अभी थोड़ी समस्याएं हैं, तो उसको कैसे हम लोग सुलझा सकते हैं। तो सब स्वास्थ्य का रिकॉर्ड इसलिए रखना आवश्यक है कि प्रत्येक जानवर अलग है और उसके उपचार के लिए अलग अलग तरीके से वो प्रतिक्रिया देता है, मतलब कि एक दवाई एक पशु पे चल गई तो जरूरी नहीं है कि उसी दवाई या उसी डोज के ऊपर वो दूसरा पशु भी रिकवर या रिस्पॉन्ड करेगा। तो आपको हर एक प्रत्येक पशु का नेचर जानना जरूरी है। हो सकता है कि कोई पशु में एक बेसिक एंटीबायोटिक से ही काम चल जाए और कोई पशु में हायर वर्जन ऑफ एंटीबायोटिक में जाना पड़े जो कि महंगी दवाई है, या कोई पशु अपने घरेलू उपचार से भी तुरंत हो जाएगा लेकिन कोई पशु घरेलू उपचार से उसको नहीं भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है कि प्रत्येक हर एक पशु का नेचर अलग है। पशु का उपचार का इतिहास आपको क्या मदद करेगा कि आपको पता है कि पिछली बार इस गाय को मस्टाइटिस हुआ था और मैंने अपने घर में ये दवाई दी थी खुद ही इसे और उससे वो रिकवर हो गया था, तो आपको अभी पता है कि भाई इस गाय को ये दवाई देनी है। फिर कुछ गाय को ऐसा था कि उसको मैंने घर पे दवाई दी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं था, फिर मेरे को डॉक्टर को बुलाना पड़ा। और तो अगर आपके पास पूरा उसका हेल्थ रिकॉर्ड है तो आपको पता है कि अगर वापिस वो बीमारी हुई है तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, और उस डॉक्टर को आप वो रिकॉर्ड दिखाते हो तो उस डॉक्टर को भी पता चलता है कि मुझे इस गाय पे क्या दवाई करनी है। तो आपका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो बोलते हैं वो सीधा पता चलता है और उसकी बेसिस पे आपका जो गाय का या पशु का रिकवरी टाइम है वो जल्दी मतलब जल्दी रिकवर हो जाता है। दूसरा है कि अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखते हो और कोई भी दवाई आप दे रहे हो, हर बार कोई डॉक्टर चेंज हो रहा है
और वो आके शुरू से मतलब जीरो से शुरू कर रहा है कि उसको पता है कि पहले ये दवाई देनी है जो जो उसको पढ़ाया गया है या उसको बोला गया है कहीं पे, तो वो बार बार गलत एंटीबायोटिक देने से पशुओं के अंदर दवा के लिए प्रतिरोध आ जाता है और वो फिर लंबे समय तक वो दवाई पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है और इस केस में वो पशु मर भी सकता है। तो जितना कम एंटीबायोटिक का हम लोग उपयोग करेंगे उतना ही वो पशु के लिए और हमारे फार्म के लिए वो फायदेमंद रहेगा। फिर उसके बाद है टीकाकरण का प्रशासन, मतलब जो अपना प्रबंधन करना है टीका मतलब वैक्सीनेशन का, तो वो भी अगर हम लोग वो हम टाइम पे कराते हैं तो उससे भी पशु को बीमार पड़ने का संभावना बहुत कम हो जाता है। और आपको पता चलता है कि किस एनिमल को कौन सी दवाई देनी है तो तुरंत आपको वो रिकवरी टाइम का समय कम हो जाता है। तो लाभ इससे हमने क्या क्या डिस्कस किए, उपचार का उचित क्रम मतलब कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका सही रहेगा, प्रत्येक पशु के लिए आपको पता रहेगा कि मेरा इस पशु पे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हो। कोई भी डॉक्टर केस संभाल सकता है, मतलब कि आज ये डॉक्टर आया कल कोई दूसरा डॉक्टर आ रहा है उसको भी ये आप रिकॉर्ड दिखा सकते हो कि भाई पिछली बार ये दवाई किया था आप देख लो इस हिसाब से आपको दवाई करनी, तो कोई डॉक्टर भी चेंज होता है तो आपका नुकसान नहीं हो रहा है। जानवर जल्दी ठीक हो जाता है तो रिकवरी टाइम बढ़ता है तो आपका जानवर जल्दी ठीक होता है तो वापस जल्दी मिल्क में आएगा और वापस उसका दूध में वो पीक में जाएगा तो आपका मुनाफा बढ़ेगा। दवा की लागत में कमी आती है, तो जो आप बिना सोचे मतलब वो जो दवाई लगाते हैं कि पहले ये ट्राई कर लो अगर ये नहीं होता है तो दूसरा नहीं होता है तो तीसरा, लेकिन आपको पता है कि तीसरे से ही होना है तो आपकी जो कुल दवाई की लागत है उसमें भी कमी आती है, तो ये आपके आर्थिक लाभ हो सकते हैं। तो जो भी किसान चाहते हैं कि हम लोग बड़ा फार्म करें तो उनके लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप हेल्थ का भी उतना ही रिकॉर्ड मेंटेन करें, क्योंकि हेल्थ भी एक आपका बहुत महत्वपूर्ण डेयरी फार्म को मुनाफे में रखने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। अभी रिकॉर्ड रखने की बात तो सही है लेकिन वो कैसे रखें, तो प्रत्येक जानवर के लिए आप एक स्वास्थ्य कार्ड बना सकते हैं और उसको अपने घर के ऊपर रख सकते हैं फाइल बना के, लेकिन वो फाइल का अगेन वो मिल गई खो गई कहीं से बच्चे ने कहीं पे रख दिया तो वो दिक्कतें तो है ही है उसके साथ, सभी जानकारी रिकॉर्ड में भरी जानी चाहिए। लेकिन अभी एक जो है मोबाइल आधारित एक एप्लीकेशन आते हैं तो उसके अंदर अगर आप सारे पशु का रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको हर बार जब भी आपको चाहिए वो आपके हाथ में वो डेटा मिलेगा। तो ऐसे मोबाइल आधारित पशु रिकॉर्ड सुविधा जिसमें अन्य विशेषताएं भी होती है और इसे भारतीय पशुपालन को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं ऐसे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि चौथी चीज ऐसी क्या है कि जो आपको आपका मुनाफा बढ़ाने में या आपका खर्चा कम करने में आपको मदद कर सकती है। तो चौथी चीज है अपनी राशन बैलेंस कि जो आप मानते हो कि आपका डेयरी फार्म है, अगर 100 रुपये आपका डेयरी फार्म पे 100 रुपये आ रहे हैं दूध की वजह से तो उसमें से 70 रुपये आपके फीड में जाने ही जाने हैं क्योंकि वो सबसे बड़ा खर्चा आपके डेयरी फार्म को चलाने के लिए वही है। तो 70 रुपये अगर आप यूज कर रहे हैं उस चीज में या 70% पैसे आपके जा रहे हैं फीड में, तो अगर आप कहीं पे सबसे ज्यादा पैसा बचा सकते हैं या सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं वो वही जगह है कि आप राशन बैलेंसेस पे काम करें। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप सुनिश्चित है कि आपके जानवर को जो भोजन दे रहे हैं वो संतुलित आहार है, मतलब कि जो उसको चाहिए वही आप दे रहे हैं या आपको किसी ने बताया है कि ये थंब रूल के हिसाब से दे दीजिए वो आप दे रहे हैं। इस चीज में बहुत बड़ा मतलब गैप है। अगर आप बड़ा फार्म करना चाहते हैं या बड़े फार्म को चला रहे हो और उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है तो ये ऐसी चीज है राशन बैलेंस जिसके ऊपर आपको तुरंत ही काम करना चाहिए। तो आहार संतुलन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर समस्या क्या है आपकी, तो सबसे पहले कि जागरूकता और जानकारी का अभाव है कि पशु का डाइट बैलेंस कैसे करें, मतलब कि पशु को क्या खाना खिलाना चाहिए उसकी जानकारी कहाँ से लाए। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है या कोई फीड की कंपनी आके सबको बता दिए कि हमारा ये चीज खिलाओ आपको फायदा होगा या ये चीज खिलाने से मुझे फायदा हुआ, ऐसा कोई फार्मर भी बोल सकता है। लेकिन अगेन कि आपके फार्म के ऊपर क्या चलेगा वो आपको ही खुद को सीखना पड़ेगा और ये कुछ किसी का आप अनुभव ले सकते हैं लेकिन आपके फार्म के अनुसार उसको आपको करना पड़ेगा। दूसरा है कि पशुपालन पर व्यावसायिक
पाठ्यक्रम का बहुत अभाव है अपने देश में, मतलब हम लोग ऐसे पशुपालक बना नहीं सकते, पढ़ाते नहीं है। हम लोग डॉक्टर बनाते हैं जो जानता है कि पशु बीमार पड़ता है तो कौन सी दवाई करनी है, लेकिन हम लोग ऐसे पशुपालक नहीं बनाते हैं कि जो जिनको पता हो कि मेरा पशु बीमार ही ना पड़े। तो ये जो है उसकी कमी है, वैज्ञानिक पद्धति की अभाव है, मतलब कि अभी साइंटिफिक नॉलेज की गैप है, या साइंटिफिक नॉलेज किसी के पास है तो वो फार्मर तक हम लोग पहुंचाने में असफल या कम सफल रहे हुए हैं। बहुत मुश्किल लगता है मेरे को, ये मेरे खेत के लिए उपयुक्त नहीं है। राशन बैलेंस की बात आते ही काफी फार्मर बोलते हैं कि यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसी सोच सकते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 70% कॉस्ट फीड मिल प्रोडक्शन में 70% कॉस्ट वो फीड की ही है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा। मतलब थंब रूल की अगर बात करते हैं तो जितने भी फीड कंपनियां हैं वो आपको थंब रूल सिखा के जाते हैं कि आप अगर आपका दूध 20 लीटर दूध देता है तो प्रति लीटर 500 ग्राम दे दो या 400 ग्राम दे दो या इतना दे दो। वो जो थंब रूल है वो बोलने के लिए सही है, लेकिन जब आपको डिटेल में जाना है, माइक्रो मैनेजमेंट में जाना है आपको, तो आपको इंडिविजुअल पशु के हिसाब से आपको राशन बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि थंब रूल जो है वो हर पशु के लिए नहीं चलेगा। आपका एक पशु 20 लीटर दूध दे रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका फैट भी 4 है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। दूसरा पशु है जो 20 लीटर दूध दे रहा है लेकिन उसके फैट है 5 फैट है, तो उसका रिक्वायरमेंट अलग होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों 20 लीटर दे रहे हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट सेम होगी। इसी तरह अगर कोई पशु 400 केजी का है और 15 लीटर दूध दे रहा है, और कोई पशु 300 केजी का है और 15 लीटर दूध दे रहा है, तो उन दोनों की रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। कोई पशु 6 महीने प्रेग्नेंट है, कोई पशु पहला महीना प्रेग्नेंट हुआ है, तो उन दोनों की भी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। तो हर पशु की रिक्वायरमेंट अलग है, इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि हमें थंब रूल से काम अगर लंबा नहीं चलेगा। पोषण और इसकी सीमाओं के नियम, प्रत्येक पशु की पोषण संबंधी आवश्यकता अलग है, जो मैंने आपको समझाया। सभी मैक्रो और माइक्रो का गणना करना मुश्किल है, मतलब वो एक दिक्कत है कि आप कैसे उसको बैलेंस करें कि फैट फाइबर प्रोटीन और आपका जो विटामिन्स और जो मिनरल्स वगैरह है वो सही मात्रा में जा रहे हैं कि नहीं है, तो ये अभी समस्या है। लेकिन उसकी उपाय क्या है, तो आप इसके उपाय के लिए निकटतम कृषि विश्वविद्यालय से, मतलब कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से सहायता ले सकते हैं। उनके एक्सटेंशन डिपार्टमेंट होते हैं, आप वहाँ जाइए, आपकी फीड सैंपल दीजिए, वो आपको लैब टेस्टिंग करके आपको हेल्प कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको जाना पड़ता है, आपके पास में शायद हो सकता है कि कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो भी या नहीं हो, तो ये एक है। दूसरा है कि कोई चैरिटी कंपनी के डॉक्टर, मतलब कि जो एनजीओ वगैरह चलते हैं उनके डॉक्टर की मदद ली जाए, या डेयरी के पशुपालन विभाग से सहायता ली जाए। पशुपालन के सरकारी सूचना पुस्तिका जो मतलब एनडीटीबी के द्वारा जो तैयार की जाती है, उसको अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से भी आप अच्छा फीड तैयार कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर हो जाए आपके साथ, जो आपको आपके पशु के हिसाब से आपको सजेस्ट करेगी आपको उसको क्या खिलाना चाहिए, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। या आप किसी डेयरी फार्म सलाहकार की सलाह ले सकते हैं कि मेरे फार्म पे क्या क्या खाना खिलाना चाहिए। उसके साथ एक मोबाइल ऐप आधारित समाधान उपयोग करो जो प्रत्येक जानवर के लिए रेडीमेड राशन संतुलन प्रदान करे, तो ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी सारे जो उपाय हैं उसमें कहीं ना कहीं इतना ईजी नहीं है, लेकिन ये जो मोबाइल आधारित जो सॉफ्टवेयर अभी हुए हैं उसमें आपको आपके पशु का डेटा एक बार डालना है और आपके पास कौन कौन से राशन है, जैसे हरे चारे में क्या है, सूखे चारे में क्या है, दाण में आप क्या खिलाते हैं, वो चीजें एक बार आप डाल दीजिए। उसकी राशन में उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आपके पास है तो वो भी आप दे दीजिए, और उसके बेसिस पे आपको बताएगा कि कौन सी चीज कितनी खिलानी चाहिए। इससे आपका क्या होगा कि प्रत्येक पशु का एक राशन बैलेंस बनेगा, और उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपकी लागत में कमी आएगी और आपके पशु के दूध उत्पादन में और उसके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी। तो ये राशन बैलेंस, जैसे हमने बात किया कि ये हमारा चौथा ऐसा मुद्दा है कि जिसको हम लोग को थंब रूल से ऊपर उठ के अभी हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट में जाना है, और उसको वहां पे हमको ज्यादा से ज्यादा हमारी कॉस्ट को रिकवर कम करना है और हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना है। राशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग दूसरा एक फंडा होता है जो डेयरी फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, एक चैलेंज फीडिंग का होता है। अगर आपकी गाय 20 लीटर दूध दे रही है
और आप उसको 20 लीटर का खाना दे रहे हैं, तो आपको उसको 21 लीटर का खाना देना चाहिए, तो 21 लीटर पे उसका क्या रिस्पॉन्स है, 21 वो 20 से 21 लीटर दूध देती है कि नहीं देती है। सिमिलरली अगर आपकी गाय को आप 20 लीटर का खाना दे रही हो, 18 लीटर का दूध दे रहा है, तो उसको 2 केजी खाना, दो केजी दूध का खाना कम कीजिए, उससे उसके दूध पे क्या प्रभाव पड़ता है आप देखिए। अगर दूध कम नहीं होता है तो आपका आपका कॉस्ट सेव होता है। तो ये चैलेंज फीडिंग का आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आप एनिमल को चैलेंज करके दूध बढ़ा या आपका कॉस्ट कम भी कर सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग जो पांचवा मुद्दा है, जो बहुत वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जानते हैं कि आवक और जावक के रिकॉर्ड कैसे आपके फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी सुधार करने में मदद कर सकता है। तो ज्यादा जो फार्म है जो पहले 2-4-5 एनिमल से शुरू किया था और अभी वो 20-25 या 50 तक चले गए हैं, वो लोग आज भी उसका जो लेखा जोखा है वो नहीं रखते हैं। मतलब कि मेरा कितना खर्चा हुआ और मैंने कितना कमाया, उसकी जो डिटेल रखनी चाहिए वो रख नहीं रहे। तो उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आ सकती है, तो समस्या ये है कि सब आप कितना याद रखोगे, मतलब कि हर चीज आप याद नहीं रख सकते हो। तो सबसे पहले ये दिक्कत आती है कि आपने कितना खर्चा किया वो आपको याद ही नहीं रहता है। उसके साथ साथ प्रति लीटर पशु के दूध उत्पादन की लागत को जानना असंभव हो जाता है। आपको पता ही नहीं रहता कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। आप दूध बेच रहे हो 40 रुपये लीटर और समझ लो कि उसमें 35 रुपये का तो खर्चा कर रहे हो 1 लीटर दूध बनाने के लिए, तो क्या वो प्रॉफिटेबल है बिजनेस? तो पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सी गाय मेरा कॉस्ट पर लीटर कम दे रही है। मतलब कि एक गाय है जो 20 लीटर दूध दे रही है और उसके साथ साथ उसका खाने का खर्चा एक्स है और उसके दवाई का खर्चा वाई है, उसके ब्रीडिंग का खर्चा है ये है, उसको मिला के अगर मैं साल के अंत में देखता हूँ कि ये गाय ने मेरे को 5,000 लीटर दूध दिया है और प्रति लीटर इसने मेरा 20 रुपये का खर्चा कराया है या 15 रुपये का खर्चा कराया है, और सिमिलरली मेरे दूसरे पशु का मैं देखता हूँ कि इसने मेरे को साल भर में 4,000 लीटर दूध दिया है लेकिन खर्चा बहुत कम करा है, तो उसका भी मेरा कॉस्ट पर लीटर 20 रुपये आ रहा है। तो आपको सही रहेगा कि मेरा 15 लीटर का गाय है और 20 लीटर का गाय है लेकिन मेरे कॉस्ट पर लीटर सही है। या आपको ये पता चल सकता है कि मेरी दोनों गाय 20 लीटर के हिसाब से दूध दे रही है लेकिन एक का 20 लीटर मेरे को प्रति लीटर 20 रुपये में पड़ता है और दूसरी गाय का प्रति लीटर मुझे 25 रुपये में पड़ता है। तो ये जो डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, एक मैनेजमेंट का जो एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू लाने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा है। तो आप अगर प्रति लीटर दूध उत्पादन की ये कॉस्ट नहीं निकालेंगे तो आपका कभी भी आप अपने डेयरी फार्म को उस लेवल पे बढ़ा नहीं सकेंगे। दूसरा है कि क्या आय में सुधार किया जा सकता है और क्या खर्च में, कहाँ कौन सी खर्च है जो मैं कम कर सकता हूँ। तो अगर आप पूरे पूरे आय और खर्च के जो आप हिसाब लिखते हो अगर, तो उसमें से आपको पता चलेगा कि कहाँ मैं गलत खर्चा कर रहा हूँ। पता चला कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जिससे मेरे मुनाफे में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बट लेकिन मैं वहां पे खर्चा किए जा रहा हूँ, तो वो चीज मैं अगर बंद कर देता हूँ तो मेरा खर्चा कम हो जाएगा। तो ऐसे चीजों को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है कि कौन सी चीजें ऐसी है जो खर्चा कर रही है लेकिन मुनाफे में हेल्प नहीं कर रही है, और क्या ऐसी चीजें हैं कि जो ज्यादा मुनाफा दे रहा है तो वहां पे मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूँ। तो ऐसी चीजों को पहचानना ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मैं ड्राई फोडर खिला रहा हूं, अगर ड्राई फोडर खिलाने से मेरा दूध उत्पादन बढ़ता नहीं है और उसकी वजह से या मेरा दूध उत्पादन कम हो जाता है, तो मेरे को क्या ड्राई फोडर खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे जब आपके पास डेटा होगा तो आप इसका अच्छा सही डिसीजन लेके आप सही डिसीजन पे आ पाएंगे। दूसरा है कि समय की कमी होती है तो आप लोग ये इनकम एक्सपेंस का रिकॉर्ड नहीं रखते हो, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या आपको आपको काम करना पड़ेगा। अभी ये क्यों जरूरी है? तो व्यापार के संकेत को परिभाषित करने के लिए, मतलब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो आपका फार्म है वो सही चल रहा है। जैसे अपने मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी एवरेज कितनी आ रही है। मैं 60 पे गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने टायर पे प्रेशर सही रखा है, मैं एसी बंद रख रहा हूँ या चालू रख रहा हूँ या खिड़की बंद रख रहा हूँ खोल के रखता हूँ, और फिर मैं हाईवे पे गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी एवरेज कितनी बैठती है। तो एवरेज जो है मेरी गाड़ी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। सिमिलरली आपके डेयरी फार्म के लिए आपको वो इंडिकेटर पहचान करने पड़ेंगे, आपको आपको देखना पड़ेगा कि मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है।
तो अगर कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की मैं बात करूं तो एट एनी गिवन पॉइंट, मतलब कभी भी आपके फार्म पे आपके 70% एनिमल प्रेग्नेंट होने चाहिए, आपके फार्म पे 70% एनिमल दूध भी देने होने चाहिए, उससे ज्यादा या कम है तो कहीं ना कहीं आपके जो साइकिल है वो उसमें दिक्कत आने वाली है। फिर मेरी बछड़ी 12 महीने में पहली बार हीट में आ जानी चाहिए, वो एक इंडिकेटर है। अगर 12 से ज्यादा हो रहा है तो मतलब आपका काफ रियरिंग बराबर नहीं है, 12 से कम हो रहा है तो आपका काफ रियरिंग बहुत बढ़िया है। सिमिलरली आप अगर बात करें कि कॉस्ट पर लीटर, वो भी एक आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बन सकता है कि आपकी कॉस्ट पर लीटर 18 रुपये है या 22 रुपये है या 25 रुपये है, तो आपको पता चलेगा अभी मैं 25 रुपये की लागत से मैं दूध उत्पादन कर रहा हूँ तो अभी 25 से 20 कैसे कहूँ। तो ये आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है कि ये मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। फिर व्यवसाय की देखरेख रखना और प्रबंधन के लिए निर्णय रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये जितना भी डेटा रिकॉर्डिंग है, प्रति लीटर की लागत के निर्धारित करने के लिए भी ये आंकड़े रखने जरूरी है। इससे लाभ क्या होंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि अच्छे जानवर और बुरे जानवर में अंतर करना है वो बहुत इजीली आप कर पाएंगे कि कौन सा जानवर सही में अच्छा है। कोई जानवर आपको 25 लीटर दूध दे रहा है लेकिन साल भर में वो 6 बार बीमार पड़ा है और उसकी कॉस्ट पर लीटर अभी आ रही है 35 रुपये और आप दूध बेच रहे हो 32 रुपये में, तो क्या वो पशु 25 लीटर दूध देने के बावजूद भी वो सही है कि गलत है, आपको वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको वो डिफ्रेंशिएट करके देगा कौन सा जानवर रखना चाहिए कौन सा निकाल देना चाहिए। तो अगेन वही कि ये 25 लीटर तो दे रही है लेकिन बीमार बहुत ज्यादा पड़ रही है तो उसको आपको आपके फार्म से निकालना चाहिए। नया जानवर कब खरीदे, आपको पता है कि अभी मेरे सारे जानवर ड्राइव में जा रहे हैं या इस तारीख को मेरा दूध बढ़ाना है या मेरा दूध कम होने वाला है तो उससे पहले मैं कुछ नए जानवर खरीद लूं, तो ये अगर आपको डेटा पता होगा तब आप नए जानवर कब खरीदने हैं वो डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, बछड़ा तैयार करना है या गाय बाहर से लाना सही है, तो वो भी अगर आप पूरा रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक बछड़ी तैयार करने में मेरे को 20,000 की लागत आती है या 25,000 की लागत आती है, जो भी आपके फार्म पे लागत आती है, और नई गाय मैं लेके आता हूँ तो मुझे 60,000 में आती है, तो उस दिनों में आपको पता चलेगा कि मेरी बछड़ी तैयार करना मेरे लिए ज्यादा मुनाफे है या बाहर से गाय लाने में मेरे लिए ज्यादा मुनाफा है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन है वो आप ले सकते हैं, चारे का हिसाब और मौसम के हिसाब से चारे को और चारे में बदलाव कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि मॉनसून आने वाला है या मॉनसून आ चुका है तो आपको हरा चारा बाजार में सस्ता मिलेगा, तो आपको उसी हिसाब से आपका राशन बैलेंस को भी मॉडिफाई करके आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं। फिर आपको पता है कि अभी इस बार बारिश बराबर नहीं हुई है तो सूखे चारे का भाव बढ़ने वाला है, तो उसी हिसाब से आप अभी से स्टॉक करके रख सकते हैं। तो लेकिन जब आपके पास ये सारा रिकॉर्ड होगा तो तभी आप इसको लागू कर पाएंगे। तो कुल मिला के इसके उपाय क्या है, आप कैसे कर सकते हैं, तो एक दैनिक वाया खाता आपको रखना चाहिए, कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर आते हैं जो आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर सबसे इजी बात करूं तो मोबाइल आधारित ऐसे एप्लीकेशन है जो हर्ड मैनेजमेंट के लिए आपको हेल्प करते हैं, जहाँ पे आपको इनकम एक्सपेंस में आपको रिकॉर्ड रख सकते हैं और वहां से आपको बहुत अच्छा इनपुट और आउटपुट मिल सकता है। तो ये कुछ उपाय है। तो कुल मिला के अगर हम लोग निष्कर्ष के ऊपर आते हैं तो खेत को, मतलब कि आपके डेयरी फार्म को लाभ प्रायर यानी कि प्रॉफिटेबल बनाने रखने के लिए नियमित डेटा रिकॉर्डिंग रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हर एक चीज का आपको डेटा रिकॉर्डिंग का एक आदत बनाना पड़ेगा। अगर डेटा रिकॉर्डिंग आप करोगे तो ही आप अपने फार्म के ऊपर आप कहीं ना कहीं देख पाओगे कि मैं सही में जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ। तो डेटा रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो पांच चीजों पे बात की, जैसे कि मिल्क रिकॉर्डिंग, ब्रीडिंग, राशन बैलेंस और अपना हेल्थ और इनकम एक्सपेंस, ये जो पांच चीजें हैं उन पांचों चीजों का अगर हम लोग आज से रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करते हैं तो 6-7-8-1 साल के बाद हम लोग को ये चीज पता चलना शुरू होगी कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो सही या गलत क्या है वो तो आज नहीं पता चलेगा, लेकिन 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या 1 साल के बाद आपको उस चीज का सही में पता चलना जरूर होगा। तो जो लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा फार्म है और उससे बड़ा करना चाहता हूँ, उनको ये डेटा रिकॉर्डिंग पे बहुत बहुत गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा और इसको अपने उसमें लेना पड़ेगा, हैबिट में, मतलब की आदत बनानी पड़ेगी। तो इसमें मैं आपको प्रॉम्प्ट की तरफ से मैं आपको क्या सहायता कर सकता हूँ,
तो प्रॉम्प्ट ने ऐसे फार्म्स के लिए हम लोगों ने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जो कि आपके हर्ड मैनेजमेंट के सारे जो जो डिस्कशन हमने किए 5-6 पॉइंट उस सब के डेटा रिकॉर्डिंग के लिए आपको हेल्प कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन 3 महीने के लिए हम लोग फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, आप इसको यूज करके देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर है आपके रीजनल लैंग्वेज में, जैसे हिंदी और गुजराती मराठी में अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप पूरा एडवांस रिपोर्टिंग वेब पोर्टल पे भी देख सकते हैं। तो इस अगर आप ज्यादा माहिती चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप में से किसी के सवाल है तो आप हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। हेलो सर, मैं नितिन बोल रहा हूँ मध्यप्रदेश से। हाँ जी, हाँ जी, बताइए नितिन। सर ये बोल रहा था कि मेरी गाय, जैसे मैंने अभी एक गिर गाय की बच्ची है 2 साल की है, मैं उसको आहार देता हूँ, उसको लूज मोशन डायरिया हो जाता है, दस्त लगने लगते हैं उसको, तो उसका संतुलित आहार कैसे बनाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बराबर है। अब इसमें क्या है नितिन जी कि मेरी आवाज आ रही है आपके तक? जी जी सर। जैसे आपने बताया ना ये बच्चिया तैयार कर रहे हैं और उसमें दिक्कत है लूज मोशन का, तो ये पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि बच्चिया कितने साल की है, 2 महीने की है या 1 साल की है या 2 साल की है? वो बच्ची 2 साल की हो गई है। अच्छा। और 2 साल की बच्ची लिया हूँ मैं अभी सर, मेरे को 15 दिन हुए हैं। आपकी आवाज थोड़ा ठीक नहीं आ रही है। 2 साल की बच्चिया है, वो गिर नस्ल की है, उसका वेट है 1 क्विंटल 95 किलो। बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या आहार अभी आप दे रहे हो और उसके बेसिस पे मैं आपको आगे की बात बता सकता हूँ। लेकिन कुछ जो डायरिया की बात है वो हो सकता है कि शायद आप हरा चारा दे रहे हो ज्यादा, या फिर आपके चारे में या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, बार बार चारा बदल रहे हो या बार बार कोई फीड का चेंज कर रहे हो, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। लेकिन सही रीजन जानने के लिए मुझे आपको आपके आपसे मतलब अलग से डिटेल में बात करनी पड़ेगी। तो अभी मैं फिलहाल आपको पूरा एग्जैक्ट रीजन नहीं बता सकता हूँ या क्या करना चाहिए, बट पूरा थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग बात करें, आप मेरे को वो जो मैंने आपको नंबर प्रदान किए उस पर आप बात कर सकते हैं। ये ऐप जो बताया है आपने, ये ऐप सर मुझे गूगल पे में मिल जाएगा? हाँ जी। इसकी कोई कॉस्ट है क्या सर? अभी अभी फिलहाल वो 3 महीने के लिए फ्री है और उसके बाद बहुत नॉमिनल कॉस्ट है जो आप प्रति पशु देके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी। लेकिन आप इसको पहले देखिए कैसा है, आप यूज कीजिए और उसके आधार पे आप फिर आगे डिसाइड कर सकते हैं। जी जी, ठीक है सर। और सर एक मेरे अभी एक गाय है हीट, जैसे आपने बताया था कि हीट कम आती है, इसी को ये जो मेरी जो 2 महीने की बच्ची है फिर वो 8 घंटे हीट में थी, बार बार पेशाब कर रही थी और पीछे पेशाब करने में हल्का सा सूजन और रैश हो रहा था। नितिन जी, एक तो आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। जी जी। तो अगर हो सके तो आप कॉल कीजिए, ठीक है? जी कॉल पे बात करते हैं। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो आई थिंक अभी हम लोग यहाँ पे ये वेबिनार को हम लोग कंक्लूड करते हैं। अगर किसी का सवाल है तो आप हम लोग को ये मोबाइल नंबर और इन मेल आईडी पे हम लोग बात कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन चाहो तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से आपको ये फार्म 365 के नाम से मिल सकती है। फार्म 365 FARM 365 के नाम से आपको सर्च करना है। थैंक यू।